हेलो एवरीवन, दिस इज सीए केवल मोता एंड आई वेलकम यू ऑल टू पार्ट नंबर 4 ऑफ एग्जेम्पशंस चैप्टर। सो इस पार्ट में अपन क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो समझ लेते हैं। अपन कोई स्पेसिफिक सेक्टर वाइज बात नहीं करने वाले, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो भी एग्जेम्पशंस अपने इधर उधर के छुटे हुए हैं, ठीक है, वो सारे अपन ने मिसलेनियस के पॉइंट के अंदर कवर कर लिए। इज दैट क्लियर? सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो लेट अस बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी जैसे बीसीसीआई। ओके, अगर बीसीसीआई को सर्विसेज दिया किसने? एन इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। ओके, मतलब अगर इन लोगों ने सर्विस दिया कौन से कैपेसिटी में? इंडिविजुअल की कैपेसिटी में। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, सो विराट कोहली प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, ओके, देन इट विल बी एग्जेम्प्ट। एज अ, देखो इंडिविजुअल एज अ प्लेयर हुआ ये, एज अ रेफरी, रेफरी मतलब कोई भी एग्जाम्पल लो, नितिन मेनन, ओके, रेफरी अंपायर, देन कोच रवि शास्त्री, ओके, एग्जेम्प्ट। देन टीम मैनेजर, अब टीम मैनेजर कौन होता है? तुम लोगों ने वो देखा है चक दे इंडिया, चक दे इंडिया में एक लेडी होती है, वो शाहरुख खान के साथ मतलब हमेशा होती है, मालूम है? एंड लेडीज मतलब जो टीम होती है वुमेन्स वर्ल्ड कप की हॉकी की, वो टीम को मोटिवेट करती है बार बार, चलो आ जाओ खेलने, ठीक है। सो दैट पर्टिकुलर लेडी इज वर्किंग लाइक अ टीम मैनेजर, ठीक है, फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। मतलब सर्विसेज हमको देनी है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को फॉर अ स्पोर्ट्स इवेंट विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, देन ओनली इट वुड बी एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी इज एग्जेम्प्ट। देखा मैंने किस तरीके से पढ़ा? देखो यहां पर ना ये पूरा ये लाइन जो है ना, इतनी लाइन, इट इज अ फर्स्ट लाइन, इसके अंदर ए एंड बी है, ठीक है। तो इस लाइन्स को अपने को कैसा पढ़ना होता है? पहले पूरा लाइन फर्स्ट लाइन पढ़ो, देन ए पढ़ो, वापस से पूरा फर्स्ट लाइन पढ़ो, देन बी पढ़ो, सो दैट यू गेट अ कनेक्टिविटी ऑफ अ स्टेटमेंट। सो व्हाट आई रेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी बाय अनदर रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी। मान के चलो कि बीसीसीआई जो है, ओके, उसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से सर्विस ली, मान के चलो आईपीएल, ठीक है, आईपीएल इंडिया में हो रहा है, मतलब हो चुका अभी तो। सो आईपीएल इंडिया में हुआ, अभी यहां पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एसीबी, ओके, यहाँ के कुछ प्लेयर्स अपना टूर्नामेंट छोड़ के आईपीएल खेलने हैं, अपना टूर्नामेंट मतलब ऑस्ट्रेलिया का जो कौन सा सीरीज होता है, वो क्या नाम बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का होता है ना, एशस, शायद से एशस बोलते हैं, मेरे को ठीक से नहीं मालूम, एशस। तो मान के चलो कि एशस शेड्यूल था, पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि हमारे प्लेयर्स को आईपीएल खेलने जाना है, अभी टाइम नहीं है, बाद में आओ, ओके। तो इंग्लैंड वाले बोलते हैं हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम लोग को भी आईपीएल खेलने जाना है। तो यहाँ पर बीसीसीआई क्या कर रहा है? बीसीसीआई इज टेकिंग सर्विसेज ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, मतलब बीसीसीआई क्या करेगी, पैसे देगी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को। क्यों पैसे देगी? ताकि उसके प्लेयर्स इंडिया में आईपीएल खेलने आ पाए। So this is called as services provided by recognized sports body to another recognized sports body. So this kind of services are exempt. इसका उल्टा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं अपन, ठीक है, मतलब मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल हो रहा है, ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने आईपीएल ऑर्गेनाइज किया एंड बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स को भेजा, तो यहाँ पर बीसीसीआई को पैसा मिलेगा। सो दिस सर्विस वुड ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टू अनदर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 101C ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन रूल, सॉरी अंडर रूल 101C ऑफ कस्टम्स वैल्यूएशन रूल। मतलब अपन याद है क्या फॉर्मेट, कस्टम्स का चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया वैल्यूएशन, उसमें अपन एक चीज ऐड करते हैं, रॉयल्टी एज अ कंडीशन ऑफ सेल। मतलब जो रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, सर्विस होता है ऑब्वियसली, सो ये जो रॉयल्टी है वो अपन ने गुड्स के असेसेबल वैल्यू अराइव करने के लिए ऐड कर दिया, ओके, मतलब उसके ऊपर आप ऑलरेडी आईजीएसटी पे कर रहे हो कस्टम्स का। सो गवर्नमेंट सेज
कि अगर रॉयल्टी ऑलरेडी एडेड थी असेसेबल वैल्यू के कैलकुलेशन में एज पर रूल 10, देन उसके ऊपर आरसीएम पे नहीं करना है. दैट पर्टिकुलर रॉयल्टी पेड ओके वुड बी एग्जेम्प्ट, वुड बी एग्जेम्प्ट. इज दैट क्लियर? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन वैल्यू में अपन ने इंक्लूड किया रूल 10 के हिसाब से, तो असेसेबल वैल्यू के ऊपर आईजीएसटी जो कंप्यूट कर लिया आपने, तो यहाँ पर डबल टैक्सेशन ना हो इसके लिए रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन रूल एज पर रूल 10 इन ट्रांजेक्शन वैल्यू वुड बी एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट, जीटीए सर्विसेस टू रिसिपियंट रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस इज एग्जेम्प्ट. अब ये ऐसा क्यों है प्रोविजन, पहले वो मैं आपको समझाता हूँ. आप लोगों ने इनकम टैक्स में काम किया रहेगा, बराबर है? आर्टिकलशिप में इनकम टैक्स में काम किया रहेगा. अब इनकम टैक्स में जो टैन होता है, मालूम है तुम लोगों को, टैन जो टीडीएस डिडक्ट करता है ना, उसके पास टैन होना चाहिए. सो वो मतलब पी एन ई पी समथिंग, मतलब उस तरीके से होता है, अलग अलग जोन में एम यू एम के होगा, वट एवर इट इज. सो जो टैन नंबर होता है, ठीक है, उसी तरीके से जीएसटी में जो टैक्स डिडक्टर्स हैं, कौन होते हैं टैक्स डिडक्टर्स? गवर्नमेंट एजेंसीज, ओके, देन पीएसयू एंड सोसाइटी एस्टेब्लिश अंडर 1860 एक्ट, ठीक है, वो सारी होती है. सो जिन लोगों को टीडीएस डिडक्ट करना है एज पर सेक्शन नंबर 51, ओके, तो वो लोग क्या करते हैं, दो रजिस्ट्रेशन लेते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ टैक्स डिडक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ टैक्स पेयर. जब आप लोगों ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा, तब आप लोगों ने देखा होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन. एक बार मैं आपको बता देता हूं, चलो स्क्रीन दिख रही है, ओके. अब यहां पर अगर मैं सर्विसेज में जाऊं एंड रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में जाऊं, तो यहां पर मुझे मेरा कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है. ये देखो, यहां पर आई एम अ, अब आई एम अ में दो इतने सारे हैं, अपने को किन किन दोनों के साथ बात करनी है अभी? टैक्स पेयर, टैक्स डिडक्टर, ओके. तो जो गवर्नमेंट एजेंसी होगी वो क्या करेगी, वो टैक्स डिडक्टर का भी रजिस्ट्रेशन लेगी, एंड अगर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज कर रही है 20 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, 40 लाख से ऊपर, देन टैक्स पेयर का भी रजिस्ट्रेशन लेगी. समझ में आई बात? सो ये जो अपना एग्जेम्पशन पॉइंट मैंने पढ़ा उसमें क्या लिखा है, अगर किसी ने टैक्स डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन लिया है एंड उसने आपसे सर्विस लिया, ओके, तो वहां पर वो सर्विस एग्जेम्प्ट होगी. ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि इसने टैक्स डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन टैक्स पे करने के लिए नहीं लिया, टैक्स डिडक्ट करने के लिए लिया. आई होप इट इज क्लियर, ओके, समझा? तो ये है बात. और ई कॉमर्स ऑपरेटर भी उसी तरीके से होते हैं, टैक्स कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन भी लेते हैं एंड टैक्स पेयर का भी लेते हैं. टैक्स पेयर का क्यों? क्योंकि जो उनका कमीशन इनकम है दैट इज टैक्सेबल इनकम, ठीक है, मतलब जो टैक्सेबल सप्लाई है वो, सो उसके ऊपर टैक्स पे करने के लिए टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन. एंड जो भी पर्सन ई कॉमर्स वेबसाइट से सप्लाई कर रहे हैं उनके पास से टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एज अ टैक्स कलेक्टर का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. समझ में बात? ओके, आगे के टाइप्स देख लो एक बार, जीएसटी प्रैक्टिशनर, देन नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यूनाइटेड नेशंस, फिर कॉन्सुलेट और एम्बेसी, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर. तो ये सारे टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं जो लेने पड़ते हैं, ठीक है. लेट अस मूव अहेड नाउ, ओके, समझ में आया किस तरीके से वो पॉइंट था. नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इंडियन स्पोर्ट काउंसिल फॉर डेफ, पैरालंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आर एग्जेम्प्ट. मतलब अगर इन लोगों के इवेंट्स को आपने स्पॉन्सर किया, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट. अब यहाँ पर सप्लायर कौन है पहले वो मुझे बताओ. ये बॉडीज सप्लायर है, ध्यान से सुनना, जो इंसान इवेंट को स्पॉन्सर करता है वो रिसिपियंट होता है. क्यों? क्योंकि उसके जेब से पैसा जाने वाला है, जिसके जेब से भी पैसा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज रिसिपियंट एंड स्पॉन्सरर. ओके, सो दिस ऑल आर द सप्लायर ऑफ सर्विस, ठीक है. सो ये लोगों ने जो भी सर्विस दी दैट वुड बी कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट. डेफ पैरालंपिक मतलब वो डिफरेंटली एबल जो लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए ये सब है. पॉइंट नंबर 5, सर्विसेज बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेक्टोरल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
इन रिलेशन टू रिकॉग्नाइज्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एग्जेम्प्ट. मतलब अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है जो अप्रूव किया है, रिकॉग्नाइज किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने या तो फिर सेक्टोरल स्किल काउंसिल ने, तो इन्होंने जो भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम वुड बी एग्जेम्प्ट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न. ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, अगर आपने किसी को बिजनेस बेचा एज अ गोइंग कंसर्न देन दैट पर्टिकुलर सेल ऑफ बिजनेस वुड बी एग्जेम्प्ट. अब एज अ गोइंग कंसर्न मतलब यहाँ पर स्लम सेल भी कवर्ड है, ओके, जो इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ते हो अपन, ठीक है, स्लम सेल दैट इज कवर्ड इन दिस सेक्शन. अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न तो एग्जेम्प्ट है, ओके, तो क्या ITC रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पर? सोचना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट. मान के चलो ए ने बी को बिजनेस बेच दिया, ओके, ए ने बी को बिजनेस बेच दिया एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है, तो यहां पर क्या ए के पास जितना भी क्रेडिट पड़ा है क्या उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब अनयूटिलाइज ITC? आंसर इज नो. अनयूटिलाइज ITC कैन बी ट्रांसफर्ड टू द पर्सन टू होम आई एम ट्रांसफरिंग द बिजनेस, ठीक है, जिसको मैं बिजनेस बेच रहा हूँ उसको ITC 02 भर के मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ. अपन ने ITC में देखा ही है, ठीक है, आगे वाला चैप्टर आएगा आपका ITC, उसमें अपन देखने वाले. नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेसिडेंस इज एग्जेम्प्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग नॉट सर्विस अपार्टमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर November 2020 में क्वेश्चन आया था कि सर्विस अपार्टमेंट रेंट पर दिया है फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब रहने के लिए सर्विस अपार्टमेंट दिया, तो क्या ये सर्विस अपार्टमेंट का रेंट एग्जेम्प्ट होगा? आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि जो आप रेंट पे दे रहे हो दैट शुड बी द प्रॉपर्टी प्रिडोमिनेंटली एंड ओनली मेंट फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग. ओके, मतलब मान के चलो मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी पे मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ पर भाड़े पे आ जाओ, ओके, सो हियर वॉट एवर रेंट आई एम चार्जिंग टू दैट पर्टिकुलर टेनेंट वुड बी एग्जेम्प्ट. ओके, हाउएवर मैंने एक होटल बांधा है, बराबर, सर्विस अपार्टमेंट्स, एंड वहां पर ना कुछ लोग आते हैं रहने को एंड मैं उनसे चार्जेस लेता हूँ, देन आई कैनॉट क्लेम एग्जेम्प्शन. व्हाई? बिकॉज जो मैंने जगह बनाई है वो कमर्शियल पर्पज है, ठीक है, कमर्शियल पर्पज, इट इज अ सर्विस अपार्टमेंट, देन इट वुड बी टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल. अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का एरिया है देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट. आगे, सर्विसेज बाय होटल, आइन, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट. ओके, मतलब अगर होटल ने रेसिडेंशियल या फिर लॉजिंग पर्पज के लिए कुछ सर्विस दिया, अकोमोडेशन सर्विस, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ सप्लाई, नॉट डिक्लेयर टैरिफ, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इज लेस देन और इक्वल टू ₹100. सॉरी, लेस देन इक्वल टू ₹1000, स्लिप ऑफ टंग, लेस देन और इक्वल टू ₹1000. ओके, सो 1000 से कम है क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट अकोमोडेशन, ठीक है, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट. अगर 1000 से एक्सीड कर जाता है देन इट वुड बी कंप्लीटली टैक्सेबल, देन इट वुड बी कंप्लीटली टैक्सेबल. क्लियर? नेक्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर. ठीक है, अगर मेरा क्या बिजनेस है, मैं हायरिंग पे देता हूँ, क्या हायरिंग पे देता हूँ, ऑब्वियसली अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा. सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग अ मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स. मान के चलो कि मैं ए हूँ, ओके, अगर आप मुंबई के हो तो आप लोग ये कनेक्ट कर पाओगे, देर इज BEST बसेस, ठीक है, ब्रोन मुंबई इलेक्ट्रिक जो भी है उसका फुल फॉर्म बहुत बड़ा है, तो BEST बसेस करके है, बराबर. सो BEST जो बसेस है वो क्या है, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग. ओके, जो ST बसेस घूमती है दे आर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, तो ये लोगों ने अगर बस भाड़े पे लिया, ठीक है, हायरिंग पे लिया, देन द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ हायरिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल ऑफ हैविंग सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 12 वुड बी एग्जेम्प्ट. ओके, सो बेस्ट बसेस या तो फिर स्टेट का जो ST बस होता है मुंबई से अलीबाग जाने के लिए, मुंबई से पुणे जाने के लिए, अहमदनगर जाने के लिए, यहाँ पर ना सारे ST बसेस वुड बी कन्वीनियंट, क्योंकि उनका फेयर कम होता है एंड ST का जो ड्राइवर होता है वो बहुत
बहुत एक्सपीरियंस होता है, मालूम है आप लोगों, वो लोग का जो ड्राइविंग स्किल होता है ना, इट इज ऑल टुगेदर एट अ नेक्स्ट लेवल। मतलब एक कार चल रही है ना, उसको भी ओवरटेक कर देंगे। सो दैट एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स आर देयर। ओके, एसटी बस। नेक्स्ट इज सर्विसेस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ जीटीए, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इज एग्जेम्प्ट। मतलब मान के चलो कि मिस्टर ए है एंड यहां पर एक जीटीए है। मिस्टर ए ने जीटीए को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया, बोला कि ये लो ट्रक, ठीक है ट्रक। अभी ट्रक का यहाँ पर मतलब सिटिंग कैपेसिटी नहीं देखा जाएगा, ऑब्वियसली सिटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 12। ओके, दो ही लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर और बाजू वाला। तो यहाँ पर हम लोग सिटिंग कैपेसिटी नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, मोटर व्हीकल का नेचर देखेंगे। अगर मैंने, मतलब मैं ए हूँ एग्जाम्पल, मैंने जीटीए को कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए व्हीकल दिया, ओके, देन द सर्विसेज प्रोवाइड बाय मी टू जीटीए वुड बी एग्जेम्प्ट। क्लियर है? आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ टू अ पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू HSC और इक्विवेलेंट। ये अपन ने एजुकेशन सेक्टर में ऑलरेडी देख देख लिया। ओके, मैंने एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है एंड यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्लियर? सो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्री स्कूल टू HSC। जो बी है उसने इसको ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया। ओके, अब ये ट्रांसपोर्ट सर्विस देने के लिए इसने जो बस हायर किया है वो मिस्टर ए से किया। सो मिस्टर ए ने जो बी को सर्विस दिया वो भी एग्जेम्प्ट एंड बी ने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दिया वो भी एग्जेम्प्ट। आगे, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर टू अ लोकल अथॉरिटी एन इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर, ओके, और टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये जो अमेंडमेंट है वो 2 या 3 अटेम्प्ट पहले आई थी। ओके, यहां पर क्या कहते हैं लोग, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, दैट इज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल, किसको दिया, टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ओके, और अ लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को दिया तो भी एग्जेम्प्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया तो भी एग्जेम्प्ट। ओके, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को क्या देना चाहिए आपको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर नॉर्मल व्हीकल है तो वो ऊपर कवर्ड है, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो वो नीचे कवर्ड है। इज दैट क्लियर? आर एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, सर्विसेस बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्जेस। मतलब टोल चार्जेस जो कलेक्ट कर रही है आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, उसके मतलब टोल चार्जेस जो BOT कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपने सुना रहेगा तो, ठीक है। सो NHAI या फिर जो भी, जिन्होंने भी रोड बनाया है, ओके, वो लोग क्या करते हैं, BOT कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। मतलब मैंने बनाया, ओके, अब मैं इसको ऑपरेट करूंगा फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा एज अ टोल, इट वुड बी द रेवेन्यू ऑफ द वन हु हैज बिल्ट दिस हाईवेज। ओके, एंड 3 साल के बाद ये स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट। सो ये जो 3 साल तक मैं टोल चार्जेस कलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर जो गवर्नमेंट है वो आगे भी करेगी, सो ये जो टोल चार्जेस है इसके ऊपर GST, इसके ऊपर जो टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स होगा, मे बी ऑक्ट्रॉय और समथिंग एल्स, ठीक है, जो भी जो जो भी नाम का टैक्स होगा, दैट वुड बी कलेक्टेड, ओके, एंड उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। क्लियर है? सो टोल चार्जेस के ऊपर कोई GST नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स चार्ज करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी इज एग्जेम्प्ट। मतलब जो भी आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करवा रहे हो, ओके, जैसे अपना MSEB, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट वुड बी एग्जेम्प्ट। आपको MSEB का फुल फॉर्म मालूम है क्या, मंडे टू संडे इलेक्ट्रिसिटी बंद। ओके, आगे बढ़ते हैं। BS, सॉरी क्या पढ़ा मैंने, हाँ, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इनक्यूबेटी अप टू
a total turnover of rupees 50 lakhs in a financial year, subject to following condition. अब सर्विसेज प्रोवाइड बाय इनक्यूबेटी. अब पहले अपन समझते हैं कि इनक्यूबेटर इनक्यूबेटी क्या होता है. सुनना ध्यान से. जो इनक्यूबेटर्स होते हैं वो नॉर्मली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं. ओके, तो वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जो होती है, मतलब वो एक एरिया है, बहुत बड़ा सा एरिया. ओके, वो एरिया जिसने भी सेटअप किया, दैट इज कॉल्ड एज इनक्यूबेटर. मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि समझ में. सो जिन्होंने भी वो एरिया सेटअप किया है, दैट आर इनक्यूबेटर्स. ओके, अब इनक्यूबेटर्स के जो एरिया है उसमें कौन आते हैं? स्टार्टअप कंपनीज. कौन आते हैं? स्टार्टअप कंपनीज, जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में एडवांसमेंट करना चाहते हैं, वो लोग इस पर्टिकुलर एरिया में आकर के अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. कौन सा बिजनेस? टेक्नोलॉजी सर्विस का. तो यहां पर क्या होता है, जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं फॉर एनी स्टार्टअप, सच एज एरिया, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं वो इंक्यूबेटर देता है. किसको? इंक्यूबेटी को, अंडर एन एग्रीमेंट. एक अग्रीमेंट साइन होता है कि आप लोग यहाँ पर रहोगे, यहाँ पर 3-4 साल रहोगे, मतलब जो भी अग्रीमेंट का टाइम पीरियड होगा उतना साल आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी स्पेसिफाइड. सो इंक्यूबेटर ने क्या किया? एक स्टार्टअप को सपोर्ट दिया. ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि अगर इंक्यूबेटी, ठीक है, इंक्यूबेटी जो स्टार्टअप है, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज बाय एन इंक्यूबेटी अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख. 50 लाख तक का टर्नओवर करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्जेम्प्ट रहेगा, प्रोवाइडेड द टोटल टर्नओवर हैज नॉट एक्सीडेड 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल. करंट फाइनेंशियल ईयर में आपका 50 लाख तक का टर्नओवर हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड पिछले साल में आपका टर्नओवर 50 लाख से कम रहा होगा. ओके, एंड यहां पर एंड है क्यूमुलेटिव कंडीशन. पीरियड ऑफ 3 years हैज नॉट इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन अग्रीमेंट. मैंने आपसे कहा था ना, इंक्यूबेटर इंक्यूबेटी, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट होगा. सो जो एग्रीमेंट एंटर हुआ है उसको 3 साल खत्म नहीं हुए, देन द सर्विसेज प्रोवाइड बाय इंक्यूबेटी वुड बी एग्जेम्प्ट. इज दैट क्लियर? अप टू द टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 लाख. आगे बढ़ते हैं. सर्विसेज बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ फूड सैंपल्स सप्लाइड बाय FSSAI टू फूड बिजनेस ऑपरेटर्स आर एग्जेम्प्ट. एकदम सिंपल. FSSA ना अपने को लाइसेंस देती है, ठीक है. लाइसेंस का जो नंबर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. 20 जो होता है ना वो किसके लिए होता है? ये ट्रेडर्स के लिए होता है. एंड 19 से अगर जो स्टार्ट हो रहा है वो मैन्युफैक्चरर ऑफ फूड मटेरियल्स के लिए होता है. मतलब हम लोग का जो स्नैक्स का फैक्ट्री है उसमें 19 से चालू होता है. ओके, एंड जो रिटेल में इसको पैकिंग करते हैं उसका FSSAI नंबर 20 से चालू होगा. तो जो FSSAI लाइसेंस मिलना है अपने को, उसके लिए पहले एप्लीकेशन करना पड़ता है. एप्लीकेशन के साथ साथ अपने को फूड सैंपल देना पड़ता है. वो लोग टेस्टिंग करेंगे क्या ये सही एनवायरनमेंट में बना है, क्या सही तेल में बना है क्या. सो ऑल दिस सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन और एनालिसिस ऑफ टेस्टिंग फूड सैंपल बाय FSSAI वुड बी एग्जेम्प्ट. ये लोग सर्विस किसको देते हैं? फूड बिजनेस ऑपरेटर को, मतलब हमारे जैसे लोग को सर्विस देते हैं, वो एग्जेम्प्ट होगा. नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय वे ऑफ स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स. ठीक है, ये डिस्कस नहीं करना मेरे को. आगे सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस सच एज प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल्स और टॉयलेट्स आर एग्जेम्प्ट. मतलब जो फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया का, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पर ना सुलभ शौचालय करके, ठीक है, सुलभ शौचालय. ओके, सो सुलभ शौचालय जो है वो लोग क्या करते हैं? पब्लिक कन्वीनियंसेस बनाए उन्होंने, जैसे वॉशरूम्स, हर एक प्लेटफॉर्म पर आपको वॉशरूम देखने मिलेगा. सो दैट इज ऑल अ सर्विस ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस. सो ऑल सच सर्विसेज वुड बी एग्जेम्प्ट. इज दैट क्लियर? जहां सोच वहां शौचालय, ये प्रोजेक्ट आया था उसके बेसिस पर ये सारे शौचालय यहाँ पर बनाए गए. शौचालय मीन्स यूरिनल्स एंड ऑल सच थिंग्स. आगे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय FIFA and its subsidiaries directly or indirectly related to any events under FIFA under 17 World Cup 2020 to be hosted in India is exempt. 2020 में एक World Cup होने वाला था, ठीक है, FIFA World Cup under 17 Women's World Cup. तो जो भी services FIFA देंगे, ठीक है, that all services would be exempt. अब यहाँ पर मैं आपको एक interesting बात बताऊँगा. जब भी कोई sporting event
कोई भी कंट्री में होस्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फीफा का वर्ल्ड कप ब्राजील में हुआ है, ओके, इंडिया में होने वाला था, कोविड के कारण नहीं हुआ. अनदर कैन बी एग्जाम्पल ऑफ आईसीसी, ओके, मतलब जो T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ हाल ही में जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती, सो वो वर्ल्ड कप भी इंडिया वालों ने बोला था कि यहाँ पर कंडक्ट करो, पर कुछ कारणवश इंडिया में नहीं हुआ. तो एक एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, सुना ध्यान से, इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, जो भी होस्ट कंट्री होगा, ठीक है, एग्जाम्पल ओलंपिक्स भी इस एग्जाम्पल में आ सकता है, कॉमनवेल्थ गेम्स ओलंपिक्स, तो जब भी ये चीजों का जो होस्ट कंट्री होता है, ओके, वो कंट्री को एग्जेम्पशंस देने ही पड़ते हैं, ठीक है, दिस इज द थंब रूल. अगर ब्राजील में हुआ तो ब्राजील की गवर्नमेंट टैक्स लॉस में अमेंडमेंट लाएगी कि एग्जेम्पशन होगा. सिमिलरली अगर इंडिया में होस्ट होता था आईसीसी, ठीक है, जो T20, देन इंडिया में जो भी एग्जेम्पशन है ना अपने, उसमें अमेंडमेंट आती थी पक्का पक्का, ठीक है. कभी भी आप लोग देख लेना, इंडिया में अगर कोई भी इवेंट होगा ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट बड़ा सा ओलंपिक्स जैसा, देन इंडिया वाली गवर्नमेंट, इंडिया वाली कंट्री को, मतलब इंडिया को, दैट इज होस्टिंग कंट्री को एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करना ही पड़ता है, टैक्स एग्जेम्पशंस आर मैंडेटरी. सो उसके चलते ये एग्जेम्पशंस अपने को देखने मिलते हैं, ठीक है. आगे जाके कभी भी आपके सामने आएगा तो एग्जेम्पशंस को ऑब्जर्व करना, ओके. सो यू विल गेट टू नो ऑल द होस्टिंग कंट्रीज हैज टू एग्जेम्प्ट the services provided by that particular sporting agencies, ठीक है, मतलब FIFA हो गया, Olympic हो गया, और कोई भी आप event पकड़ के लो उसको. आगे, services by way of right to admission to events organized under FIFA World Cup, okay, तो जो भी entry fees होगा that would be also exempt, okay. IPL exempt नहीं होगा, IPL exempt नहीं होगा, वो कोई national importance का वो नहीं है, but FIFA, ओके, फीफा मतलब फुटबॉल वर्ल्ड कप है, पूरे वर्ल्ड के टीम्स उसमें पार्टिसिपेट करती, देन अपना वर्ल्ड कप, इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप, ओके, दैट इज आल्सो सच इवेंट. इंडिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप क्यों बोला मैंने, ऑल ओवर वर्ल्ड का ही होता है वो, बट इंडिया जीतेगी हर बार, ओके, चलो. सो क्रिकेट वर्ल्ड कप, देन ओलंपिक्स, गेम्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वो सारी एग्जेम्प्ट होंगी जो भी होस्टिंग कंट्री में होती है तो. नेक्स्ट इज सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड आर एग्जेम्प्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 16th October 2020. मतलब इन्होंने जो भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज दी वो सारी के सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट. आगे बढ़ते हैं, IGST exemptions only important are covered. Okay. अब तक जो अपन ने एग्जेम्पशन देखा वो कहाँ से थे, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट. अब यहां पर हम जो देखेंगे दैट आर एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड अंडर आईजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी के एग्जेम्पशंस है, नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट. फर्स्ट वन बीइंग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय CGSGUTLA, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी और इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन बिजनेस. मतलब इन लोगों ने अगर अदर देन बिजनेस पर्पस कुछ भी इंपोर्ट किया सर्विस, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहां पर जो इंडिविजुअल है उसके लिए अदर देन बिजनेस पर्पस है, CGSGUTLA गवर्नमेंट अथॉरिटी इनके लिए एनीवेज एग्जेम्प्ट है. समझा है क्या? सो इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनी पर्पस अदर देन बिजनेस पर्पस, ये एक लाइन है, वेयर एज दिस इज द सेपरेट लाइन. क्लियर? सो इन्होंने अगर कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया एग्जेम्प्ट. अब OIDR services taxable है, important point बता रहा हूँ, OIDR services are taxable. मतलब इन्होंने अगर अगर कोई बाहर वाली entities से OIDR service लिया, online information database access retrieval service, then it would be taxable. Okay. तो ये taxable किस तरीके से लिखा होगा? Answer is, देखो यहाँ पर ना मैं आपको notification number 10/2017 में लेके जाता हूँ. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है services provided by non-taxable, मतलब from a non-taxable territory to other than non-taxable online recipient is taxable under RCM. Okay, यहाँ पर इस तरीके से लिखा, non-taxable territory से service लिया किसने? Other than NTOR, then it is RCM. मतलब NTOR ने लिया, then it is FCM. And these entities, ठीक है, ये जो है ना, ये लोग एकदम as it is, they are called as NTOR. NTOR का डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में, पढ़ लेना. दिस एंटायर थिंग इज इन NTOR.
मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनटीओआर आर टैक्सेबल एंड दैट टू अंडर फॉरवर्ड चार्ज. क्लियर. टैक्सेबल है किधर से मालूम पड़ा? क्योंकि एग्जेम्प्ट नहीं है, यहां पर स्पेसिफिक लिखा लिखा है अवॉइड एयर सर्विस टैक्सेबल. अब टैक्सेबल है तो हम कहां पर जाते हैं? चार्ज ऑफ जीएसटी डिटरमाइन करने के लिए, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज. तो रिवर्स चार्ज में बाहर हटा दिया, एनटीओआर को बाहर कर दिया. सो एनटीओआर के लिए फॉरवर्ड चार्ज वुड बी एप्लीकेबल. आप सेक्शन नंबर 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट भी देख सकते हो साथ में. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय 12AA एंटिटीज फॉर चैरिटेबल पर्पस एग्जेम्प्ट. इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी इज एग्जेम्प्ट. ऑब्वियसली मतलब कोई बाहर का इंसान इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहा है. मान के चलो कोई इंसान यूएस में एंड वो सिंगापुर से कुछ सर्विस इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या उस पर भी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी क्या? नहीं. तो यहाँ पर ये लोग ये कहते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब जो इंसान यूएस में लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वो अगर किसी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से सर्विस ले रहा है, इट इज एग्जेम्प्ट. वहां पर इंडियन गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का. क्लियर. हाउएवर यहां पर इस पर्सन ने अगर सी फ्रेट का सर्विस लिया, ठीक है, मतलब एज अ इंपोर्टर उसने सी फ्रेट का सर्विसेस लिया, देन इट वुड बी टैक्सेबल. सो सी फ्रेट इज टैक्सेबल फॉर ऑल द थ्री पर्सन, मतलब इसके लिए भी टैक्सेबल, इसके लिए भी टैक्सेबल, इसके लिए भी टैक्सेबल. क्लियर. यहां पर और एक पॉइंट लिखा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स टू अदर देन प्री स्कूल टू HSE और एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स. मतलब अगर आपने इंडिया के बाहर से ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल सर्विसेज इंपोर्ट किए, ओके, किसने? अदर देन प्री स्कूल, मतलब अगर प्री स्कूल टू HSE या फिर अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स ने किया तो टैक्सेबल. अगर अदर देन ये लोग है देन इट इज एग्जेम्प्ट. क्लियर. अपन ने एजुकेशन सर्विस में भी देखा था. बाकी के पढ़ लेते हैं. सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एग्जेम्प्ट. फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए आरबीआई ने किसी स्पेशल एजेंसीज का सर्विस लिया इंडिया के बाहर से, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट. थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस टू ओन एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इज एग्जेम्प्ट इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया. ठीक है, मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंगली दिस विल नॉट बी अ जीरो रेटेड सप्लाई. ये जीरो रेट सप्लाई नहीं रहेगा. क्यों ऐसा है? प्रोविजन समझाता हूं. यहां पर कुछ ब्लैंक स्पेस है. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए? सप्लायर इंडिया, रिसिपियंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, अमाउंट रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज अनलेस अदरवाइज परमिटेड बाय आरबीआई. पॉइंट नंबर ई वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर ये लोग ये कहते हैं इट शुड नॉट बी मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब अपना ही एंटिटी नहीं होना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं. ओके, तो अगर अपना ही एंटिटी हुआ तो क्या? ये सवाल आया लोगों के दिमाग में. अगर अपने ही एंटिटी को मैंने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया तो क्या टैक्स लग जाएगा? क्योंकि ई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ए बी सी डी ई सब फुलफिल होंगी तो एक्सपोर्ट. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्या, तो क्या इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे? आंसर इज नो, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे. क्योंकि यहां पर एक स्पेसिफिक अमेंडमेंट आया जो कहता है कि अगर आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस किया टू योर एस्टेब्लिशमेंट, इट मींस फिफ्थ कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, बट प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया के बाहर है, देन इट वुड बी एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल. क्लियर है. अगर ये अमेंडमेंट नहीं लाते तो क्या होता आंसर? टैक्सेबल, मतलब जीएसटी पे करना पड़ता इवन इफ प्लेस ऑफ सप्लाई वॉज आउटसाइड इंडिया. क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं है मीन्स इट इज टैक्सेबल. पर यहां पर ये लोगों ने स्पेसिफिक अमेंडमेंट लाया, एक्सपोर्ट नहीं है पर एग्जेम्प्ट है, मतलब एक्सपोर्ट नहीं है, टैक्सेबल भी नहीं है, एग्जेम्प्ट है. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय यूनाइटेड नेशन और स्पेसिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जेम्प्ट. ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. नेक्स्ट, गुड्स एज वेल एज सर्विसेज इंपोर्टेड बाय SEZ फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन आर एग्जेम्प्ट. अब ऑथराइज्ड ऑपरेशन क्या होता है? देयर आर 64 ऑथराइज्ड ऑपरेशंस व्हिच आर मेंशनड इन डिफॉल्ट लिस्ट. ठीक है, एक डिफॉल्ट लिस्ट होती है, SEZ एक्ट के तहत बनती है वो, उसमें 64 ऐसी सर्विसेज है. अगर वो 64 सर्विसेज में से आपने कोई भी सर्विस ली फॉर ऑथराइज ऑपरेशन, देन सच सर्विस वुड बी एग्जेम्प्ट. नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है? 18/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट. ये नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्शन मिला हुआ है. आगे, गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ग्रांट ऑफ लाइसेंस और लीज टू एक्सप्लोर और माइन
पेट्रोलियम क्रूड और नेचुरल गैस इज एग्जेम्प्ट. मतलब अगर यहाँ पर जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था कभी सप्लाई के चैप्टर में, ओके, वहां पर मैंने क्या बोला था, गवर्नमेंट को क्या क्या मिलेगा, फिक्स रेंट मिलेगा, उसको हम डेड रेंट बोलते हैं, ओके. ईआरसीसी में भी अपन ने देखा, और क्या मिलेगा, रॉयल्टी मिलेगा. अलॉन्ग विद दैट अ शेयर ऑफ प्रॉफिट कैन बी गिवन. तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है किसको, गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट इज अ सप्लायर ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना चाहिए ना, बट नो, गवर्नमेंट ने खुद के लिए एग्जेम्पशन रखा है. बोला कि गवर्नमेंट्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम, दैट प्रॉफिट पेट्रोलियम वुड बी एग्जेम्प्ट. क्लियर है? तो ये आईजीएसटी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, सेम नोटिफिकेशन इंट्रा के लिए भी एप्लीकेबल है. सो हियर वी कंप्लीट विथ एग्जेम्पशन चैप्टर. दैट्स इट फॉर एग्जेम्पशन चैप्टर. थैंक यू सो मच. स्टे ट्यून्ड. बाय बाय.